बिहार शरीफ नगर निगम चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आते ही सभी प्रत्याशियों के द्वारा ताबड़तोड़ प्रचार किया गया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड नंबर 18 में वार्ड पार्षद प्रत्याशी एकता कुमारी ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से वार्ड नंबर 18 में मेरे पति धनंजय कुमार और मेरे द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है। अगर जनता हमें इस बार फिर से मौका देती है तो जो भी शेष कार्य बचा हुआ है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 18 के सभी इलाकों में पेयजल आपूर्ति की समस्या को दूर किया गया है। कई इलाकों में जल जमाव की समस्या थी, उसका भी निपटारा कर दिया गया है। इन 15 सालों में मेरा व्यवहार सभी लोगों से काफी अच्छा रहा है और हमने इलाके में संपूर्ण विकास किया है। इस बार वार्ड नंबर 18 में महिला आरक्षित सीट होने के कारण वार्ड कमिश्नर के पद पर धनंजय कुमार की पत्नी चुनावी मैदान में है। नाम है हमारी मिसेज वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी के रूप में वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ रही है और हमारा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और हमारे द्वारा जो 15 साल इस वार्ड में सुव्यवस्थित तरीके से जो भी वादे किए थे उससे ज़्यादा काम करके दिखाया हूँ और उसी को आज अपने परिश्रम को है ना मतदान के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने वार्डवासी के पास जा रहे हैं और लोगों का बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि धनंजय जी आपका बात विचार व्यवहार से हम संतुष्ट हैं और हमें इस वार्ड में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है और काम है क्या सारा कुछ सरकार के फंड पे डिपेंड करता है ना। जैसे जैसे फंड आएगा आपने काम किया ही है और जो बचा हुआ काम है आगे भी कीजिएगा।